हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल अलग तरीके की चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे घर में एक बिल्कुल सत्य घटना हुई है। और आपने सभी लोगों ने बहुत सुना होगा कि मंदिर में हनुमान जी ने या बाबा ने, किसी भगवान ने दर्शन दिए, या उनके चमत्कार के बारे में आपने सुना होगा। बट मैं आपको बिल्कुल आज सत्य घटना बता रही हूँ, जो मेरे घर में हुई है। और करीब ये घटना काफ़ी टाइम हो गया है इसको घटित हुए। ये बिल्कुल सत्य घटना है कि मेरे घर में हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, और वो किस रूप में दिए हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो ये जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसको मैंने लेमिनेट कराया हुआ है। तो इस रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साक्षात हनुमान जी का रूप है, बाल हनुमान जी का रूप है। और ये मेरे घर में किस तरह से आए, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये नारियल है, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, और ये मैं ही पकड़े हुई हूँ अपने हाथ में। ये खप्पर है नारियल का, ये पूरा आप देख सकते हैं। और ये ऊपर मेरा हाथ है, इसको मैं पकड़े हुई हूँ। और ये देखिए, पूरा छोटा सा नारियल है, जो पानी वाला नारियल होता है। तो इसके अंदर हनुमान जी ने प्रकट हुए, हनुमान जी ने दर्शन दिए आकर के। और पूरा आप देख सकते हैं, पूरा रोएदार, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे एक बच्चा होता है पौन, तो बिल्कुल उस तरीके से उनका चेहरा, बिल्कुल लाल, आंखें, नाक, मुंह आपको सब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। ऊपर से तो मैंने टीका लगाया हुआ है। तो ये देखिए, ये भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार है। ये देखिए, हनुमान जी माला भी पहने हुए हैं, और छोटे छोटे मोती की ये माला है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भगवान जब मेरे घर में आए, तो इसके पीछे की कथा ये है कि मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी जाते हैं हर साल। तो जब वो वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पर जो नारियल चढ़ाया था, तो उसका प्रसाद लेकर के आए थे। तो ये जनवरी की बात है, जब लेकर के आए थे, तो नारियल जब मैंने घर में तोड़ा, तो वो ख़राब हो गया था। तो उसको सिरवाने के लिए मैंने कटोरी में करके रख दिया, और सोचा कि इसको सिरवा देंगे। और दो महीने बाद करीब होली जब आई, तो मैं थोड़ा सफाई कर रही थी, मैंने नारियल को कटोरी में रख दिया था। तो जब अलमारी की सफाई करते समय मैंने इसको उठाया, तो बिल्कुल ऐसा ही रूप मुझे दिखा। ये तुरंत की फ़ोटो है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है। तो मैंने भगवान को अपने घर में स्थान दिया और सब लोगों को दिखाया। आप समझ नहीं सकते हैं कि उस समय कितना बड़ा, बिल्कुल अजीब सा, बहुत रोमांचक सा लगा कि अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल हनुमान जी लग रहे हैं। दो आँखें, नाक, मुंह, लाल लाल मुंह, तो बहुत ही ज़्यादा था। तो घर में मैंने स्थान दिया उनको। ये देखिए, मैंने उनके लिए सिंहासन लेकर के आई थी, उस पर मैंने हनुमान जी को बिठाला था। और आज अभी वो नहीं है इस समय, नारियल जिस रूप में आए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो किस में ये नारियल है, ये देखिए, छोटा सा नारियल है पानी का, ये आज भी मेरे पास रखा हुआ है। और ये घटना जो हुई थी, ये करीब 14 मार्च 2015 की है, कि आज 19 हो रहा है। तो ये नारियल मैंने अभी भी सिरवाया नहीं, अपने पास रखा हुआ है। तो ये छोटा नारियल था, इसमें ही हनुमान जी आए थे, प्रकट हुए थे। तो करीब 2.5 साल घर पे रहे, उसके बाद वो नारियल थोड़ा थोड़ा सा अंदर से ख़राब होने लगा था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस नारियल को मैंने सिंहासन पर हनुमान जी को दर्शन देने के बाद मैंने उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने तुरंत उनकी जो फ़ोटो ली थी, उसको मैंने मड़वा करके रख लिया अपने पास, और आज भी घर में पूजते हैं। और तब से मैंने फिर उनके सामने चमेली का दीपक जलाना शुरू किया, और दीपक मैं आज भी जलाती हूँ। वैसे वैष्णो देवी जब भी मेरे हस्बैंड गए हैं, तो वहाँ का प्रसाद हम लोग कभी भी ग्रहण नहीं कर पाए हैं, हमेशा ही ख़राब निकल जाता था। और कहते हैं, जब नारियल आपका ख़राब निकल जाता है, तो वो अच्छा माना जाता है। तो आज भी हनुमान जी को जब ये देखो, तो बिल्कुल लगता है साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। आप देखिए, दोबारा मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, आँखों में कितना तेज है, चेहरे पे बिल्कुल लाली है, जैसे हनुमान जी की होती है। तो इस तरीके की फ़ोटो शायद आपने कभी मंदिर में नहीं देखी होगी, तो मैंने आपको आज दिखाया। और ये मंदिर है मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और भी लोग इस चमत्कार को देखें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।